ओम शांति। मैं हूं ईरा त्रिवेदी और इस योग के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। ये हमारे पेल्विस के लिए, हमारे बैक के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे माइंड के लिए भी बहुत ही एक सुंदर आसन है। जब आप ये आसन करेंगे तो आपको इमीडिएटली एक सेंस ऑफ काम अपने माइंड में महसूस होएगा। चलिए साथ साथ इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप सबसे पहले एक वज्र आसन में बैठ जाएं, फिर अपने आप लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करें, आपके टोज पीछे से जॉइंट रहेंगी। फिर आप आराम से अपने हाथ ऊपर ले जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें और एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ जाएं। और नीचे आप अपनी ठुड्डी को सामने रखें, अपने आप फोरहेड को भी नीचे रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और यहां पे आप लंबी गहरी सांस लें, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। आपको एक बहुत ही सुंदर ग्राउंडिंग एनर्जी, एक कनेक्शन टू द अर्थ महसूस होएगा। यहां पे आपका माइंड एकदम से स्टिल हो जाएगा, आपकी ब्रेथ स्टेडी हो जाएगी और फिर आराम से आप ऊपर आ जाएं और आसन को रिलीज करें। अगर ये आसन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो आप कोशिश करिए बाल आसन की। ये आसन का नाम ही है चाइल्ड्स पोज या बाल आसन, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है एक बच्चे की तरह। क्या होता है कि जिंदगी में जैसे भी टेंशन स्ट्रेसेस आते रहते हैं तो हमारे ब्रेथ शॉर्टन होती रहती है और हम बहुत एक शॉर्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, जो एक लंबी गहरी ब्यूटिफुल योगिक ब्रेथ होती है एब्डोमेन के द्वारा, वो खत्म हमारी होने लगती है। तो चलिए साथ साथ बाल आसन करें। आप वज्र आसन में बैठ जाएं, फिर आप आराम से अपने हाथ साइड में रखें, लंबी गहरी सांस लें और आराम से एक्सहेल करते हुए अपनी छाती को नीचे ले जाएं और फोरहेड को नीचे रिलैक्स करें, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, आपके पाम ऊपर हैं और यहाँ एक इतना सुंदर आपकी स्पाइन को रिलैक्सेशन मिलता है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। चाइल्ड्स पोज में बस आप आराम से ब्रीद करें। आराम से आप ऊपर आ जाएं। जब आपकी स्पाइन रिलैक्स होती है तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि जो हमारा स्पाइन है उसके अंदर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होती है। ये आप रखें कि जो हमारा स्पाइन है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। इनफैक्ट स्पाइन इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी स्पाइनल हेल्थ को इंटैक्ट रखें।